बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सेस देख लिए थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीप्लेक्सेस देखे थे और कैसे हम उन मल्टीप्लेक्सेस का ट्रूथ टेबल और डायग्राम बनाते हैं ये हमने मालूम कर लिया था। सो वी नो दैट वी कैन डिज़ाइन एम टू ए वन मल्टीप्लेक्सर एंड विद द हेल्प ऑफ एन क्रॉस एम डिकोडर। ये भी हमने बात देख ली थी कि एक डिकोडर का ब्लॉक इन्वॉल्व होता है इन डिज़ाइनिंग आवर मल्टीप्लेक्सेस। सिलेक्शन इनपुट्स होती हैं हमारे मल्टीप्लेक्सेस की, दीज आर अवर सिलेक्शन इनपुट्स, जो कि हमारे डिकोडर की इनपुट्स बनती हैं। इस डिकोडर की आउटपुट फर्दर हमारे इनेबलिंग सर्किट में जाती है और जो भी पर्टिकुलर आउटपुट ऑफ द डिकोडर हाई होती है वो हमारी उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डेटा इनपुट्स को आगे वाई आउटपुट पे फॉरवर्ड कर देती है। ये बातें हम अपने लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। दिस इज अ जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाउ वी डिज़ाइन मल्टीप्लेक्सेस। 64 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, एज द नेम इंप्लाइज देयर मस्ट बी 64 डेटा इनपुट और इंफॉर्मेशन लाइंस एंड वन आउटपुट लाइन। वी हैव द फॉर्मूला एम इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 6। इफ वी हैव 2 रेज टू द पावर 6 देन दिस मेक्स इट इक्वल्स टू 64 आवर डेटा इनपुट और इंफॉर्मेशन लाइंस। एंड एज वी नो दैट रेज टू द पावर is actually our selection inputs, hence n equals to 6 and we have 6 selection inputs in our 64 cross 1 multiplexer. This is the block diagram of our 64 cross 1 multiplexer. A0 se leke A5 tak hamari selection inputs ho gayi, 6 selection inputs. I0 se leke I63 tak hamari data inputs or information input lines ho gayi, that is according to 2 to the power 6 is equal to 64. And Y is our output. One output, as we have one output line in our 64 cross 1 multiplexer. Next is 2 to 1 quadruple multiplexer. 2 to 1 quadruple multiplexer में सबसे पहले हम recall करते हैं कि हमारा 2 cross 1 multiplexer क्या था. As shown over here, 2 cross 1 multiplexer की block diagram and table. I not, if the selection input is 0, देन हमारी आई नॉट इन्फॉर्मेशन लाइन वाई पे रिसीव हो जाती थी। अगर सिलेक्शन इनपुट की बिट वैल्यू 1 होती थी तो हमारी आई 1 की इन्फॉर्मेशन वाई पे आगे ट्रांसफर हो जाती थी। 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर की लॉजिक रिमेन्स द सेम इन आवर 2 क्रॉस 1 क्वाड्रपल मल्टीप्लेक्सर। इवन क्वाड्रपल इज जस्ट साइज ऑफ योर इन्फॉर्मेशन लाइन क्या है, साइज मीन्स इंफॉर्मेशन साइज इन फॉर्म ऑफ बिट्स क्या है। क्वाड्रपल मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन साइज इज इक्वल टू 4 बिट्स। इसका मतलब है आई नॉट जो एक नंबर है, एक इंफॉर्मेशन लाइन है, उसकी 4 बिट्स है, उसकी साइज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, 4 बिट्स है। सिमिलरली आई वन इज आवर सेकेंड इंफॉर्मेशन लाइन जिसकी इंफॉर्मेशन साइज क्या है, 4 बिट्स है। सो क्वाड्रपल मीन्स दिस। लॉजिक हमारा अभी भी यही है कि हमारे पास दो ही नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक 2 4 बिट नंबर्स ए एंड बी। ये देखिएगा 2 क्रॉस 1 है तो 2 ही नंबर्स हैं हमारे पास, मीन्स 2 ही इंफॉर्मेशन लाइंस है, 2 ही डेटा इनपुट लाइंस है। वो कौन कौन सी हैं, ए पहली इंफॉर्मेशन लाइन, दूसरी बी दूसरी डेटा इनपुट इंफॉर्मेशन लाइन। बट वॉट अबाउट द साइज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वाड्रपल ये वाला लव्स ये बता रहा है कि ईच नंबर और ईच इंफॉर्मेशन लाइन का साइज क्या है, साइज मींस उसमें कितनी बिट्स है। तो इसकी 4 बिट्स है और इसकी 4 बिट्स है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ आवर 2 क्रॉस 1 क्वाड्रपल मल्टीप्लेक्सर। ये देखिएगा आई नॉट इधर ए एक पहले डेटा इनपुट, आई वन हमने ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा था 2 क्रॉस 1 में, दैट रिप्रेजेंट्स बी सेकेंड इंफॉर्मेशन लाइन डेटा इनपुट लाइन। बट वट अबाउट द साइज, साइज ये मेंशन है क्वाड्रपल, क्वाड मीन्स 4 बिट्स है ईच इंफॉर्मेशन डेटा इनपुट लाइन की। एज 4 इनपुट बिट्स हैं इंफॉर्मेशन लाइन की तो हमें जब आउटपुट पे रिसीव होना है ए तो ऑब्वियसली उसकी चारों बिट्स हमें रिसीव होंगी, देन हमें कंप्लीट ए डेटा इनपुट रिसीव हो सकेगा। सो सेंड वन ऑफ द नंबर्स टू द आउटपुट, टोटल 4 आउटपुट लाइन्स आर रिक्वायर्ड। एक सिलेक्शन इनपुट है, एक सिलेक्शन इनपुट क्यों है, हमारी लॉजिक 2 क्रॉस 1 की सेम है, हमारा 2 क्रॉस 1 मक्स नहीं बदल रहा, हमारा 2 क्रॉस 1 अभी भी सेम है। ए पहली डेटा इनपुट लाइन, बी दूसरी डेटा इनपुट, सिलेक्शन इनपुट 1 क्यों है, 2 रेज पावर 1, रेज टू द पावर इज 1 इज एक्चुअली आवर सिलेक्शन इनपुट, वो एक है। ये देखिएगा एक ही सिलेक्शन इनपुट थी, यहाँ भी एक ही सिलेक्शन इनपुट है।
information size is mentioned over here, which is quad. So that is why the information size is 4 bits. जैसा कि हम बाइनरी में नॉर्मल बात करते हैं कि व्हाट इज द साइज, हम कहते हैं 4 बिट्स है, 2 बिट्स है, 3 बिट्स में गई है इंफॉर्मेशन, 8 बिट्स में गई है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, कि हमारा इंफॉर्मेशन साइज क्या है. अब इसका कंडेंस टेबल कैसे बनेगा, इफ द सिलेक्शन बिट इज 0, गौर कीजिएगा लॉजिक 2 क्रॉस 1 वाली ही है, सिलेक्शन बिट इज 0 देन वाई पे ए डेटा इनपुट रिसीव हो जाएगा. सेलेक्ट ए का मतलब है ए की पूरी इंफॉर्मेशन जो कि चारों बिट्स हैं वो वाई पे चारों बिट्स रिसीव हो जाएंगी. एंड देन इफ एस सिलेक्शन इनपुट इज इक्वल टू 1 देन इट विल सेलेक्ट बी. सेलेक्ट बी का मतलब ये है कि बी डेटा इनपुट की सारी इंफॉर्मेशन मींस चारों बिट्स वाई पे रिसीव हो जाएंगी. हाउ वी विल डिजाइन द सर्किट, वी कैन डिजाइन मल्टीपल मक्स can be combined in parallel, perform selection of multiple bits quantities, enable input also used to control its operation. Enable और selection दोनों को हम involve कर लेते हैं. Enable का role हमारा decoder में हम पढ़ चुके हुए हैं. Enable हमें ये बात मालूम है कि as a supply source काम करता है किसी भी circuit को चलाने के लिए, so वो यही role यहाँ अदा करेगा. This is your circuit diagram of 2x1 quadruple multiplexer. कैसे, ये देखिएगा, A एक डेटा इनपुट है, बी सेकेंड डेटा इनपुट है. अभी हमारे पास ये टू ही है, देखिएगा 2x1 था ना, 2 डेटा इनपुट्स, तो ये 2 डेटा इनपुट्स ही हैं. इंफॉर्मेशन साइज क्या है, क्वाड, क्वाड मींस 4 बिट्स. इंफॉर्मेशन साइज ऑफ ईच डेटा इनपुट इज 4 बिट्स. फंक्शनल टेबल इसका कैसे हो जाएगा, फंक्शनल टेबल हमारा इसका ऐसे हो जाएगा कि आवर इनेबल इज एक्टिंग एज अ एक्टिव लो सिग्नल. एक्टिव लो सिग्नल क्या होता है, एक्टिव लो सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसकी इनपुट पे अगर हम 0 दें तो वो इन्वर्टर से गुजर के सर्किट के अंदर जाके 1 हो जाता है, और जब वो अंदर जाके 1 होता है देन वो हमारे सर्किट को चलाता है. सो आवर इनेबल इज एक्टिव लो सिग्नल एज द फंक्शनल टेबल शोज. वाई ई इनेबल जब 1 है तो हम देखिएगा सिलेक्शन इनपुट हम जो मर्जी देते हैं हमारी सारी आउटपुट 0 आ रही है. सो द फंक्शनल टेबल टेबल इज एक्चुअली टेलिंग अस कि हमारा इनेबल जो है मल्टीप्लेक्सर में, हम इसको जरूरी नहीं है एक्टिव लो के तौर पे यूज करें. अगर स्पेसिफिकली मेंशन ना हुआ हो तो आप इसको एक्टिव हाई के सिग्नल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. एक्टिव हाई का मतलब है कि आप 1 इनपुट दें और आउटपुट पे वो सारा सर्किट हमारा ऑन कर दें इनेबल. नेक्स्ट इनेबल जब 0 हो गया, ये देखिएगा इनेबल जब 0 हो गया, इनेबल इज इक्वल्स टू 0 तो वो इन्वर्टर से गुजरा, इट मेक्स इट इक्वल्स टू 1. इफ इट मेक्स इट इक्वल्स टू 1 तो अब हमारे पास आगे देखिएगा हर एंड गेट पे 1 चला जाएगा. इसका मतलब है ये सिग्नल एक्टिव लो पे काम कर रहा है जो कि हमें अब हमारी आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेक्शन इनपुट्स. द 4 बिट्स ऑफ आवर फर्स्ट डेटा इनपुट ए इज A0 से लेके A3 तक ये हैं, एंड द नेक्स्ट 4 बिट्स ऑफ आवर सेकेंड डेटा इनपुट इज B0 से लेके B3 तक. अब हम अपना फंक्शनल टेबल रन करते हैं. 2x1 मक्स की लॉजिक सेम है, सिलेक्शन इनपुट इज इक्वल टू 0. इफ द सिलेक्शन इनपुट इज इक्वल टू 0 तो ये पहले इन्वर्टर से सिलेक्शन इनपुट इक्वल्स टू 0 गुजरेगा तो वो इन्वर्ट होके 1 बन जाएगा, और वो 1 हमें इन एंड गेट्स पे रिसीव हो रहा है. अब सिलेक्शन इनपुट की बिट वैल्यू 0 इस इन्वर्टर से पास ऑन होके 1 यहाँ तो चली गई. अब एक और इन्वर्टर गेट लगा हुआ है, यहाँ एक और नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये 1 यहाँ से दोबारा पास ऑन हुआ तो इट मेक्स इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है हमारे इस एंड गेट्स में वैल्यूज 0 चली गई. एंड एज वी नो द फंक्शन ऑफ आवर एंड गेट इज दिस कि अगर कोई एक भी इनपुट 0 है तो हमें आउटपुट पे 0 मिलता है. सो हेंस वी आर रिसीविंग 0. इसका मतलब है बी डेटा इनपुट हमारी ऑफ हो गई है, और यही बात हमारा फंक्शनल टेबल कहता है, और यही वही फंक्शन हमारा 2x1 परफॉर्म करता है कि अगर सिलेक्शन इनपुट 0 है तो डेटा इनपुट ए सिलेक्ट होगी, और डेटा इनपुट ए ही सिलेक्ट हो रही है क्योंकि हमारी उसकी सिलेक्शन इनपुट भी 1 है, इनेबल भी 1 है उसके एंड गेट्स की इनपुट्स पे. नाउ ए नॉट रिसीव हो जाएगा हमें इस एंड गेट की आउटपुट पे. सिमिलरली ए 1 सेकेंड बिट ऑफ आवर डेटा इनपुट ए रिसीव हो जाएगा, थर्ड बिट ऑफ डेटा इनपुट ए एंड फोर्थ बिट ऑफ डेटा इनपुट ए हमें यहाँ रिसीव हो गया. अब आगे और गेट लगे हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये चारों बिट ऑफ आवर फर्स्ट डेटा इनपुट ए हमें आउटपुट पे रिसीव होनी है. इस एंड गेट के जीरोज अगर आगे ट्रांसफर हुए
सो तब भी हमारे पास ये और गेट है, तो 0 प्लस ए नॉट विल गिव अस ए नॉट, 0 प्लस ए वन विल गिव अस ए वन, सो ऑन, 0 प्लस ए टू गिव अस ए टू एंड 0 प्लस ए थ्री विल गिव अस ए थ्री. सो हेंस वी विल रिसीव ऑल द फोर बिट्स ऑफ आवर ए डेटा इनपुट एट द आउटपुट वाई. और यही बात हमारा फंक्शनल टेबल कह रहा है कि सिलेक्शन इनपुट अगर 0 है तो पहली इंफॉर्मेशन आगे भेज दे, और उसका साइज कितना है, क्वाड, मीन्स 4 बिट्स, 4 की 4 आउटपुट पे रिसीव होगी. और यही हमारी 2 क्रॉस 1 की लॉजिक भी थी. 2 क्रॉस 1 लॉजिक में भी यही होता था कि अगर सिलेक्शन इनपुट 0 है तो जो भी इंफॉर्मेशन लाइन पहली है वो फॉरवर्ड हो जाएगी वाई पे. अब अगर हमारे पास सिलेक्शन इनपुट 1 हो जाए, सिलेक्शन इनपुट हमारे पास 1 हो जाए, सो वी नो कि हमारे पास अब ये एंड गेट्स ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इन्वर्ट होके ये 1 वैल्यू मेक्स इट 0 ओवर हियर. एंड एज वी नो कि ये एंड गेट्स अब हमारे ऑफ हो जाएंगे, उसकी वजह एक कोई भी एक इनपुट 0 एंड गेट की तो उसकी आउटपुट 0 हो जाती है. यहाँ जो सिलेक्शन इनपुट की इस इन्वर्टर की वजह से वैल्यू 0 हुई, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस सेकेंड नॉट गेट इट विल बिकम अगेन 1. सो ये 1 हमें इस एंड गेट्स पर रिसीव हो रहा है. और E इक्वल्स टू 0, तो एक इन्वर्टर से गुजर के 1 हमें यहाँ भी मिल रहे थे और यहाँ भी मिल रहे थे. So hence we will receive at the output of these AND gates the 4 bits of our second data input, that is B. और हमें अब हमारी output पे B receive हो जाएगा. So again I repeat, the logic of 2 cross 1 is the same. Selection input की bit value 0 है तो पहली information आगे जाएगी, that is ये देखिएगा select A, पहले select A चला गया था. अगर selection input की value 1 होगी, bit value 1 होगी, तो B ने आगे जाना है. और B आगे कैसे जाएगा, अपनी पूरी information size के साथ आगे हमें output पे receive हो जाएगा.